हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान। सो पिछली वीडियो में हमने वेटनरी एनाटॉमी के पेपर सॉल्व पेपर वन को सॉल्यूशन बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटनरी फिजियोलॉजी पेपर वन के ऑब्जेक्टिव पोर्शन के सॉल्यूशंस की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम फिलअप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना वेयर विजुअल रिसेप्टर्स आर एब्सेंट इज कॉल्ड, तो उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये सभी जानते हैं जहाँ पे विजुअल रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं। द मेजर लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट इन रेटिना फोटो रिसेप्टर इज, तो उसे बोलते हैं रोडोप्सिन। फिर ऑर्गन ऑफ फोनेशन इन बर्ड इज कॉल्ड, ये बहुत पूछा जाता है, सिरिंग्स इसका आंसर है, ये ऑर्गन ऑफ फोनेशन है। फिर रास इज इफेक्टिव रिनल मैकेनिज्म फॉर लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ, जो रास मैकेनिज्म होता है ना वो किसके रेगुलेशन के लिए होता है, ऑफकोर्स ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में होते हैं, सबको पता है, मायोफाइब्रिल, सार्कोमियर, टी ट्यूबल सिस्टम, ये किस मसल में एबसेंट होते हैं, तो ये जो स्मूथ मसल होती है ना उसमें ये एबसेंट होते हैं। फिर डैश सलाइवरी ग्लैंड विच ड्रेन सलाइवा इनटू ओरल कैविटी बाय बार्थोलिन डक, तो कौन सी ग्लैंड जो होती है वो ड्रेन करती है सलाइवा किसके अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, किसकी मदद से, बार्थोलिन डक्ट के, तो इसका आंसर है सब लिंगुअल ग्लैंड। फिर हार्मोन सिक्रेटिंग सेल ऑफ जीआई ट्रैक्ट इज नोन एज, तो उसे हम बोलते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। फिर लॉस ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड एनाल्जेसिया, थिन म्यूकस मेम्ब्रेन विच कवर्स एक्सपोज पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड, तो उसे हम बोलते हैं कंजक्टाइवा। फिर हेरिंग ब्लडर रिफ्लेक्स ओनली ऑपरेट व्हेन टाइडल वॉल्यूम इंक्रीजेस बियॉन्ड, तो जो 1000 ml के बियॉन्ड जाता है तब ये रिफ्लेक्स जो है ऑपरेट होता है। फिर बात करें ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स प्रोड्यूस आउटसाइड द CNS इज, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, गेंगलिया। फिर नेकेड नर्व एंडिंग रिसेप्टर आर सेंसिटिव टू व्हाट स्टिमुलस, कौन कौन से स्टिमुलस के लिए वो सेंसिटिव है नेकेड नर्व एंडिंग, तो वो जो है टू टच या फिर कोई पेन या टेम्परेचर का जो रिफ्लेक्स है उसके लिए वो क्या है जो है रिसेप्टर वो है सेंसिटिव है। फिर रॉड्स कंसर्न विद स्कॉप्टिक विजन वाइल कौनस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो कौनस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोपिक विजन के लिए। डिक्रीज PCO2, ठीक है, PO2 इज रेफर टू हाइपोक्सिया वाइल इंक्रीज PCO2 इज रेफर टू, तो इंक्रीज PCO2 किससे रेफर होता है, हाइपरकैपनिया, ठीक है। फिर डैश आर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर इन एवियन लंग वेयर गैसेस एक्सचेंज अकर, तो हम सभी जानते हैं तो एयर सेक्स। फिर डायलेटेड पार्ट ऑफ एवियन इसोफेगस इज नोन एज, उसे बोलते हैं क्रॉप। फिर इरिथ्रोसाइटिक इंडेसिस आर यूज टू डायग्नोज द डिफरेंट टाइप ऑफ, तो इरिथ्रोसाइटिक इंडेसिस किसको बताते हैं हमारे, डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया को। फिर ट्राइसिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ, तो वो जो है एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में जो है कन्वर्ट होता है। क्लारा एंड टाइप 2 एल्वेलर सेल्स ऑफ लंग्स सीक्रेट अ सरफेस टेंशन रिड्यूसिंग एजेंट इज, तो उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। फिर 20 लाइफ स्पैन ऑफ एवियन एरिथ्रोसाइट इज रेंज बिटवीन, तो ये जो है 28 से 35 डेज की रेंज होती है। फिर बात करें MCQs की, तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इन मसल सेल्स एक्ट एज अ, तो वो अब सभी जानते हैं कि वो स्टोर क्या करता है कैल्शियम को। इफ सडन एंड हाई राइज ऑफ स्टार्च फीडिंग देर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ, तो उसमें लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है क्योंकि वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है हमारी फीड जो होती है ना स्टार्च वगैरह। फिर द फंक्शन ऑफ टैपेटम लुसिडम का फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है लाइट बैक ऑन द टू द रेटिना। तभी तो हम जो है कैट के अंदर जब हम ड्राइविंग या रात को ड्राइविंग करते हैं तब अगर कैट की आप आँखों के ऊपर देखोगे तो वो एकदम चमकती हैं, तो इसी वजह से होता है क्योंकि हम जो लाइट जो सोर्स से डालते हैं उसके ऊपर उससे वो रिफ्लेक्ट बैक आता है रेटिना से, तो वो एकदम आपको चमकती हुई आंखें दिखती है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस एटम ऑफ हीमोग्लोबिन टू द फेरिक फॉर्म इज टर्म्ड एज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेथेमोग्लोबिन। द एंड प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल डाइजेशन आर, तो एंड प्रोडक्ट जो होता है माइक्रोबियल डाइजेशन का वो होता है वोलेटाइल फैटी एसिड्स। फिर सोमेटिक नर्व्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, तो सोमेटिक वाली कौन सी करती हैं, ऑफकोर्स जो है हमारी एसिटाइल कोलिन ही है इसका आंसर। फिर सेल्स विच आर कन्वर्टेड विद HCL सिक्रीशन इन स्टमक, तो ऑक्सेंटिक सेल्स हैं। फिर द विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन इन रूमन, तो 6.5 ये नॉर्मल पीएच होती है रूमन की, ठीक है, 6.4 से 7 तक होती है अप्रॉक्स, तो आपको 6.5 इसमें अगर दे रखा है उसके आसपास तो आप वही जो है टिक करोगे। सिक्रीशंस ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर मेनली रेगुलेटेड बाय, तो ये जो मेनली जो होते हैं किससे रेगुलेटेड होते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज से रेगुलेटेड होते हैं। फिर ऑल्फैक्टिव बल्ब प्ले अ रोल इन, तो ऑल्फैक्टिव बल्ब जो होता है वो किसके लिए काम आता है, स्मेल कम्युनिकेशन के लिए, अपन जानते हैं ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्शंस के लिए। फिर द चीफ नाइट्रोजन सोर्स ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ माइक्रोबियल प्रोटीन इज, तो वो है अमोनिया।
एन आइसोट्रोपिक बैंड ऑफ स्केलेटल मसल इज प्राइमली कंपोज्ड ऑफ, तो ये एक्टिन एंड मायोसिन दोनों के अंदर जो है प्राइमली कंपोज होता है। फिर द ऑक्सीजन टेंशन इज इन द ब्लड विच लीव्स लंग्स इज अप्रोक्सीमेट, तो वो होता है 100 mm ऑफ Hg। रैपिड शैलो पेंटिंग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज, उसे बोलते हैं पॉलीपनिया। द सेंट्रल पार्ट ऑफ मायोसिन फिलामेंट इज कॉल्ड एज, तो जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एच जोन। फिर है ड्यूग्लूटिनेशन सेंटर इज लोकेटेड इन, मेडुला में लोकेटेड होता है। फिर है पॉलीसाइथीमिया अकर्स इन द एनिमल एट, पॉलीसाइथीमिया जो है वो जब हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं ना तब होता है, ठीक है। आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन CNS, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कौन है CNS का, तो प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर है हेटरोफिल्स आर सीन इन ब्लड ऑफ, तो हेटरोफिल्स जो होते हैं वो AVN ब्लड के अंदर दिखते हैं। रैपिड जर्की कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एज द रिस्पॉन्स ऑफ टू अ सिंगल स्टिमुलस, तो उसे हम बोलते हैं ट्विच, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ऑब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव पोर्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू सो मच।